वैदिक का अर्थ होता है ज्ञान, वैदिक का जो ये वैदिक सभ्यता है, वैदिक अर्थ होता है ज्ञान। तो वैदिक सभ्यता का जो उद्गम हुआ ये हड़प्पा सभ्यता के बाद हुआ। सिंधु सभ्यता आप लोगों को बताए हैं, सिंधु सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता, उसके बाद मोहनजोदड़ो सभ्यता, उसके बाद जब हड़प्पा सभ्यता के बाद ये वैदिक सभ्यता आया। और दोस्तों आप लोग पहले जाके वो वाला वीडियो देख लीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए, और अच्छा लगे तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, आर्य जो ये वैदिक सभ्यता थे, इसके मतलब निर्माता कौन थे? आर्य थे। वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे। और आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ, आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ। और ये आर्य कब आए थे? आर्य आए थे 1500 से 600 ईसा पूर्व। और ये आर्य लोग दो 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 काल था, इस वैदिक काल में दो काल था, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल 1500 BC से 1000 BC। ये BC क्या होता है दोस्तों? जो ईसा पूर्व होता है उसको शॉर्टकट में हम लोग BC बोलते हैं, तो इस ईसा पूर्व को हम लोग BC बोलते हैं। तो पूर्व वैदिक काल आर्य जो आए थे। वैदिक सभ्यता दो भाग है, वैदिक सभ्यता का दो भाग है। पहला पूर्व वैदिक काल या तो ऋग वैदिक काल, ये 1500 से 1000 BC तक था। और दूसरा उत्तर वैदिक काल, यह था 1000 BC से 600 BC तक। अब हम लोग पढ़ेंगे आर्य, आर्यों के बारे में, और आर्यों के जो हर चीज आर्य जो करते थे उसका डिटेल्स। अभी पूर्व वैदिक काल पढ़ेंगे। पूर्व वैदिक काल में पूरा वेदों का ही उल्लेख हुआ है, और वेद भी बताएंगे, चारों वेद बताएंगे, चारों वेद के बारे में हर एक चीजें बताएंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। अब देखिए, आर्य आर्य सर्वप्रथम कहाँ पर आए थे? पंजाब के आसपास के क्षेत्र में आर्य सर्वप्रथम वहीं आके बसे थे। आर्य सर्वप्रथम पंजाब के आसपास क्षेत्र में आकर बसे थे। और आर्य कहाँ से आए थे? अगर हम बात करें आर्य आर्य मतलब आए कहाँ से, तो आर्यों का माना जाता है, कई वैज्ञानिकों ने मत दिया है, तो आर्य मुख्य आर्य का माना सर्वमान्य जो है ये मध्य एशिया के बैक्ट्रिया नामक स्थान से आए थे। अगर आर्य जहां से आए थे उसका सर्वमान देखा जाए तो मध्य एशिया के बैक्ट्रिया नामक स्थान से आर्य लोग आए थे। और विभिन्न अनेक अनेक वैज्ञानिकों के सुझाव दिए गए हैं, तो वैज्ञानिकों का मुख्य सुझाव, जो मुख्य वैज्ञानिकों का सुझाव है उसको आप लोगों को हम बताएं। तो मैक्समूलर के सिद्धांत के अनुसार मध्य एशिया के बैक्ट्रिया नामक स्थान से आया। अभी हमने आपको बताया आर मध्य एशिया के बैक्ट्रिया नामक स्थान से आए थे, तो यही सर्वमान्य है, इसको ही माना जाता है, मध्य एशिया के बैक्ट्रिया नामक स्थान से आर्य लोग आए थे। और जानिए मैक्समूलर जो ये बताए थे तो इनका ही सर्वमान माना गया, और लोग बताए थे, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बताए थे, लेकिन ये वैज्ञानिकों के मुख्य सुझाव दिए हैं। हमने चार वैज्ञानिकों का मुख्य सुझाव बताया है। दूसरा क्या है? डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार आर्य जो आए थे, ये डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार आल्स पर्वत के यूरेशिया नामक स्थान से आए थे। ये किनका कहना है? डॉक्टर संपूर्णानंद, जो डॉक्टर संपूर्णानंद थे, इन्होंने भी कुछ डिस्कवरी की, कुछ खोज इन्होंने की, इनके हिसाब से जो क्या हुआ, आल्स पर्वत के यूरेशिया नामक स्थान से आए थे आर्य, इनका कहना था डॉक्टर संपूर्णानंद। और बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक की, इन्होंने इन्होंने बताया कि आर्कटिक प्रदेश से जो आर्य थे, ये आर्कटिक प्रदेश के उत्तरी ध्रुव से आए थे। दोस्तों अभी आपको आर्कटिक प्रदेश और मध्य एशिया थोड़ा पता नहीं होगा किस एरिया में है, या तो अगर आप लोग पढ़े होंगे तो जानते होंगे, उत्तरी ध्रुव, आर्कटिक प्रदेश उत्तरी ध्रुव से, इनका कहना है, बाल गंगाधर तिलक का कहना है, जो आर्य थे ये आर्कटिक प्रदेश के उत्तरी ध्रुव से आए थे। अभी आपको हम भूगोल पढ़ाएंगे, भूगोल में आपको बढ़िया से बताएंगे, पूरे मैप के द्वारा आपको बताएंगे, एटलस में भी आप लोग एटलस ले लीजिए, भूगोल का लेक्चर जल्दी शुरू करेंगे। तो भूगोल में बताएंगे आपको कि ये आर्कटिक प्रदेश क्या होता है, उत्तरी ध्रुव क्या होता है, मध्य एशिया क्या होता है, पर्वत, सब हर एक चीजें डिटेल्स में बताई जाएंगी। उसके बाद आप देखिए बाल गंगाधर तिलक का कहना था कि आर्कटिक प्रदेश के से उत्तरी ध्रुव से आए थे कौन? आर्य। और एक लोग हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम आप लोगों को सुना होगा। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का ये कहना था कि जो आर्य थे, आर्य तिब्बत से आए थे, तिब्बत नामक स्थान से आर्य आए थे। लेकिन इन सभी के सुझावों को देखा जाए तो सर्वमान्य जो है ये है मध्य एशिया के बैक्ट्रिया नामक स्थान से।
तो आर्य कहां से आए थे? मध्य एशिया के बैक्ट्रिया नामक स्थान से आर्य आए थे, और सर्वप्रथम आए थे पंजाब के आसपास के क्षेत्र में बसे थे। उसके बाद इन्होंने क्या क्या किया उसको डिटेल्स में अभी आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, और जो हड़प्पा सभ्यता थी वो शहरी एवं नागरी सभ्यता थी। आपके हमने सिंधु सभ्यता में बताया है कि सिंधु सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी और हड़प्पा सभ्यता एक नागरी एवं शहरी सभ्यता थी। तो ये जो सभ्यता थी ये एक ग्रामीण सभ्यता थी, लेकिन आर्यों ने नागरी सभ्यता को हटा दिया। क्या किया? आर्यों ने नागरी सभ्यता को हटा दिया। क्या सभ्यता लाई? ग्रामीण सभ्यता लाई। आर्यों ने ग्रामीण सभ्यता को हटा करके देखिए यहाँ पर लिखा है वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, आर्यों ने नागरी सभ्यता को हटा करके ग्रामीण सभ्यता लाई। जो ग्रामीण सभ्यता थी आर्यों के द्वारा, तो पहले नागरी ही थी, क्योंकि आपने देखा था हड़प्पा सभ्यता में कौन सी सभ्यता थी? नागरी सभ्यता थी, शहरी सभ्यता जिसको बोलते हैं। तो हड़प्पा के बाद ही तो ये आया, उद्गम हुआ हड़प्पा के बाद ही वैदिक सभ्यता का उद्गम हुआ। तो यहाँ पे आप देखिए, तो ये एक नागरी एवं शहरी सभ्यता थी, तो इसको इन्होंने हटा दिया, उसके बाद ग्रामीण सभ्यता लाया। इसीलिए कहा जाता है कि वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। चलिए अब बात करते हैं कि आर्यों का भाषा कौन सी थी, जो भाषा का प्रयोग करते थे। आर्यों की भाषा थी संस्कृत भाषा, आर्य की भाषा संस्कृत भाषा थी, और इस सभ्यता में कृषि की प्रधानता थी। आपने उसमें सिंधु सभ्यता में पढ़ा होगा, उसमें भी कृषि की ही प्रधानता थी, मतलब कृषि उसका मुख्य व्यवसाय ही कृषि था। तो इसमें भी मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। देखिए, आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था, पशुपालन। इसमें पशुपालन भी करते थे, लेकिन सिंधु सभ्यता में जो थे उसमें पशुपालन लोग नहीं करते थे। तो इसके जरिए से ये लोग क्या किए, पशु पालते थे, और कृषि भी था इनका मुख्य व्यवसाय, यही था। और आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ आपका हमने बताया था कि सिंधु सभ्यता में, अगर आप लोगों ने उसको अच्छे से लिखा होगा, उसका नोट्स बनाया होगा, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा, ये देखा होगा कि आर्यों वो सिंधु के लोग जो थे वो लोग खाने के मीठा खाने के लिए शहद का प्रयोग करते थे। तो ये लोग आर्य को मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोमरस था। सोमरस ये इनका मुख्य पेय पदार्थ था, मुख्य। इसको आप लोग याद करिए, सोमरस कई बार एग्जाम में आया है। और देखिए, आर्यों का प्रिय पशु क्या था? प्रिय पशु आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। आर्यों को अभी आपने सिंधु सभ्यता में पढ़ा होगा कि आर्यों के जो सिंधु के लोग थे वो घोड़े से परिचित ही नहीं थे, लेकिन इसमें घोड़ा इनका प्रिय पशु था। किस सभ्यता में? वैदिक सभ्यता में। वैदिक सभ्यता में पशु प्रिय पशु क्या था? घोड़ा था। और उपयोगिता मतलब एवं उपयोगिता पशु था, जो उपयोगिता था इन लोगों को वो घोड़े से ही ये लोग करते थे। बहुत सारी चीजें को ढोना, जैसे बुग्गी बनाना, इक्का जो चलता था, तो ये लोग घोड़े से बहुत सारा अपना उपयोगिता के काम कर लेते थे, जो उपयोग के काम होते। तो इसका मतलब ये है, मुख्य पशु तभी तो घोड़ा था ना, प्रिय पशु घोड़ा था एवं उपयोगी भी था, उपयोगी था इन लोगों के लिए। आर्यों के द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी? लोहा। देखिए, इसमें कुछ नई नई चीजों का खोज हुआ, जैसे उसमें घोड़ा का कुछ नाम ही नहीं था, पशु पालते नहीं थे, और उसमें देखिए लोहा का तो साक्ष ही नहीं मिला है, लेकिन इसमें लोहा खोजी गई, खोज हुई, उसको श्याम अयस्क भी बोलते थे। लोहे को क्या बोलते हैं? श्याम अयस्क, ये लोग आर्य लोग। तो लोहा खोजी गई इस सभ्यता में, उस सभ्यता में लोहे का कोई साक्ष नहीं था। चलिए बात करते हैं आर्यों का सर्वाधिक प्रिय देवता। आर्यों में जो सर्वाधिक प्रिय देवता था ये इंद्र थे। अभी बाद में आपको बताएंगे, ऋग्वेद में इंद्र को प्रजापति मतलब की देवता मान करके पूजा करेंगे। चलिए अभी तो चारों वेद बताएंगे, क्योंकि वैदिक सभ्यता में वेदों का ज्ञान हुआ है, चारों वेदों का ज्ञान। तो आप जानिए कि अभी आर्यों का जो सर्वाधिक प्रिय देवता था वो इंद्र थे, और आर्य सरस्वती नदी को महत्वपूर्ण एवं पवित्र मानते थे। अब जानिए आर्यों का देवता प्रिय देवता कौन थे? इंद्र थे। और आर्यों का जो सरस्वती नदी थी उसको ये लोग पवित्र मानते थे, सरस्वती नदी को एक पवित्र मानते थे देवी की तरह। कौन? आर्य के लोग। अब देखिए आर्यों का पूज्य पशु था क्या था? आर्य के लोग जो है, अभी आपने सिंधु सभ्यता में पढ़ा था, सिंधु सभ्यता में पशु पालन नहीं था, लेकिन शिव पूजा एवं वृक्ष पूजा का साक्ष्य मिला था।
तो इस प्रकार से इसमें क्या हुआ, त्रि देवता इनके इंद्र थे और सरस्वती नदी को देवी मानकर इसको पवित्र मानते थे। और आर्यों का मुख्य, आर्यों का पूज्य पशु, मुख्य नहीं सॉरी, देखियो आर्यों का जो पूज्य पशु था जिसकी पूजा करते थे ये लोग, आर्यों का पूज्य पशु गाय था। गाय, ये देखिए हमने पूरी चीजें लिख दी है जो एकदम मेन मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और ये अगर आप एक बार इसका नोट्स बना लिए वैदिक सभ्यता का, दोबारा आपको वैदिक सभ्यता में से कुछ नहीं पढ़ना होगा, हर क्वेश्चन इसमें से फंसेगा। आप चाहे तो देख लीजिए मॉडल पेपर उठा करके। देखिए उसे अधन्या, अधन्या कहा जाता था। किसको अधन्या कहा जाता था? गाय को। गाय को ये लोग पूजते थे, गाय को पूजनीय माना जाता था। किस धर्म में? वैदिक सभ्यता में, आर्य लोग। अब देखिए अथवा और आगे देखिए गाय के विशेष, गाय के बारे में कि क्या इन लोग शर्तें लगाए थे। तो गाय, ये जो गाय है, गाय को मारने अथवा घायल करने वाले को, अगर गाय को कोई वैदिक सभ्यता में अगर कोई गाय को मार दे जान से, मतलब हत्या कर दे या तो उसकी उसे घायल कर दे, तो उससे देखिए मृत्यु दंड दिया जाता था। वैदिक सभ्यता में अगर कोई गाय को मार दे या तो घायल कर दे तो उससे मृत्यु दंड मिला जाता था। अथवा उसके अलावा भी एक और दंड था, देश से निकालने की प्रथा थी। क्या किया जाता था? ये लोग गाय को अगर कोई घायल करता था या कोई अगर गाय को मतलब कि गौहत्या करता था, उसे मृत्यु दंड दिया जाता था एवं देश से निकालने की प्रथा थी ये वैदिक सभ्यता में। और यही प्रथा आज भी होनी चाहिए। आज भी अभी संविधान भी पढ़ाएंगे आप लोगों को, तो उसमें आर्टिकल बताएंगे हर चीज कि गाय को मतलब कि मारने में कौन सा सजा मिलती है कैसी, तो उसको भी बताएंगे। लेकिन अपने यहाँ तो शायद मृत्यु दंड नहीं है गाय को मारने वालों को, अथवा देश से निकालने की प्रथा थी उस समय, आज भी होनी चाहिए। देश से निकाल देना चाहिए जो लोग गौ हत्या करते हैं, क्योंकि गाय एक बहुत ही प्रिय पशु है। अब देखिए सबसे प्राचीन अभिलेख बोगज को ये अभिलेख है। ये अभिलेख कहाँ पे प्राप्त हुआ? वैदिक सभ्यता में। इसको आप लोग बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सबसे प्राचीन अभिलेख, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है सबसे प्राचीन जो अभिलेख था ये कौन सा अभिलेख है। तो आप लोग याद रखिए बोगज कोई का अभिलेख 1400 BC मतलब 1400 ईसा पूर्व, 1400 ईसा पूर्व में इसका ये अभिलेख कौन था? सबसे प्राचीन अभिलेख बोगज कोई अभिलेख 1400 BC में था। इस अभिलेख से क्या प्राप्त हुआ? इस अभिलेख से 1400 BC के इस अभिलेख से यहाँ के था के इस अभिलेख से इंद्र वरुण नासत्य और मित्र का उल्लेख हुआ है। किसमें? इसी अभिलेख में, जो बोगज कोई का अभिलेख है 1400 BC में, तो इंद्र वरुण नासत्य एवं मित्र का उल्लेख किया गया है इस अभिलेख में। और देखिए आर्यों का समाज जो था, जो आर्यों का समाज था किस प्रकार से आर्यों का समाज था, तो आर्यों का समाज आप लोग जान लीजिए पितृ प्रधान समाज था। आर्यों का समाज क्या था? पितृ समाज था। आप लोग सोच रहे हो कि हमें इतना पसीना क्यों आ रहा है? पसीना इसलिए आ रहा है क्योंकि फैन बंद है, क्योंकि फैन जब हवा देता है तो उसके बाद इसमें आवाज थोड़ा साफ नहीं आती, इसलिए फैन को हमने बंद कर रखा है। देखिए आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। और सांख्य, देखिए सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। दो चीज यहाँ पे आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सांख्य दर्शन जो है, सांख्य दर्शन और ये बोगज कोई अभिलेख, ये दोनों एकदम से मतलब सबसे प्राचीन अभिलेख और सबसे प्राचीन दर्शन, सांख्य दर्शन भारत का सबसे प्राचीन दर्शनों में से एक है सांख्य दर्शन। और अभी आएगा सबसे प्राचीन वेद, आएगा ऋग्वेद और ऋग्वेद और जो तीन वेद और हैं, चारों वेद बताएंगे अभी इसी वीडियो में, तो आप लोग वीडियो पूरा देखिए। अब देखिए आर के ग्राम में जो मुखिया हुआ करते थे, ग्राम के मुखिया, आर के ग्राम के मुखिया को क्या बोला जाता था? आर के ग्राम को मुखिया को ग्रामणी, ग्रामणी बोला जाता एवं विष के मुखिया को विषपति बोला जाता था। ये क्वेश्चन आएगा आप लोग इसको याद करिए, ग्राम के मुखिया को ग्रामीण एवं विष के मुखिया को विषपत कहते थे। जन के शासक को राजन था राजा कहते थे, जो लोगों पे राज करते थे शासक जो था वहां का, उसे लोग राजन या राजा कहते थे। जो जन, जन मतलब लोग होता है, तो लोगों का जो राजा कहते थे या तो राजन बोलते थे। आर्य का समाज, आर्य समाज जो था, आर्य समाज में क्या होता था ना, आर्य समाज में बाल विवाह, जो आर्य समाज है इसमें बाल विवाह एवं सती प्रथा, देखिए बाल विवाह सती प्रथा जाति प्रथा
और पर्दा प्रथा। आप लोग सोच रहे हैं ये सब का प्रचलन था, नहीं। आर्य समाज में बाल विवाह और सती प्रथा, जाति प्रथा, पर्दा प्रथा आदि प्रचलन नहीं था। जो बाल विवाह होता था वो सब प्रचलन पहले नहीं था, सती प्रथा नहीं थी, जाति प्रथा नहीं थी, पर्दा प्रथा भी नहीं थी, जाति जाति प्रथा मतलब जात का जो देखते हैं अपने जात, तो इसी प्रकार से आदि प्रचलन नहीं था। और देखिए आर्यों के लोग जो अर्चना और पूजा करते थे, आज भी पूजा अर्चना होता है, आज का भी लोगों का कई उद्देश्य होता है, भौतिकी उद्देश्य भी होता है, वैसे भी शारीरिक मतलब कि बहुत सुख मतलब मोक्ष की प्राप्ति के लिए कुछ लोग आज भी पूजा करते हैं और भौतिक सुख के लिए। लेकिन आर्य क्या करते थे, आर्य के लोग जो पूजा अर्चना करते थे उनका मुख्य उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति नहीं थी, उनका मुख्य उद्देश्य था कि भौतिक सुख मिले उन्हें। भौतिक सुख, भौतिक सुख का मतलब क्या है, जैसे देखिए युद्ध में विजय हो, उनका उद्देश्य यह था कि वे लोग आर्य लोग जो पूजा और अर्चना करते थे उसका मुख्य उद्देश्य था ये लोग युद्ध में विजय प्राप्त करें और अच्छी खेती हो इन लोगों की, जो खेत का व्यवसाय था, पशुपालन का व्यवसाय, और संतान प्राप्ति, इन लोगों का यही उद्देश्य था पूजा और अर्चना करने का। अब देखिए क्या होगा कि अब इसके आगे पूर्व वैदिक काल की जानकारी, मतलब पूर्व वैदिक काल की जो जानकारी है, ये देखिए दो वैदिक काल है ना, एक पूर्व वैदिक काल एक ऋग्वेद, मतलब एक पूर्व वैदिक काल अथवा ऋग्वैदिक काल, दूसरा क्या है उत्तर वैदिक काल है। तो इसमें पूर्व वैदिक काल की जानकारी एकमात्र स्रोत ऋग्वेद है। आप जान जाइए पूर्व वैदिक काल की एकमात्र जानकारी, अधिकतम जानकारी स्रोत क्या है, ऋग्वेद। अभी आपको ऋग्वेद पढ़ाएंगे, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अब देखिए वैदिक काल में ही वेदों का उल्लेख मिला है, आपको हम पहले से ही बताते चले आ रहे हैं कि वैदिक जो काल था इसमें ही वेदों का उल्लेख हुआ है, पूरे वेद इसी में बताए गए हैं। तो वैदिक काल में क्या हुआ, वेदों का उल्लेख मिला है। अब वेदों की कितनी संख्या है, चार संख्या है, वेदों की चार संख्या है, चारों कौन कौन सी है, पहला ऋग्वेद है, दूसरा सामवेद है, तीसरा यजुर्वेद है, चौथा अथर्ववेद। सब दोस्तों आप लोग इसको उतार लीजिए, मतलब कि नोट्स में अपने इसको पूरा नोट कर लीजिए और अब इसके आगे चल रहे हैं चार।